खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। संख्या 5 के पार्षद कुंदन वैष्णव द्वारा गौशाला के नाम पर जमीन पर कब्जा अतिक्रमण करने के मामले में सैकड़ों की तादाद में गोहत्या कर जमीन में दफनाई गई गाय और बछड़ों को निकलवाकर सभी का पोस्टमार्टम कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए अजय सर के चंदन, गिरीश और आलू बाबा ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आलू बाबा ने आरोप लगाया कि पार्षद वैष्णव ने अपने पद का दुरुपयोग कर अजय सर गांव के खुलखुलिया भैरव मंदिर के निकट अजयपाल मंदिर के मेला ग्राउंड की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने की मंशा से सैकड़ों गाय और बछड़ों को मौके पर लाकर एकत्रित कर उसे अवैध गौशाला का रूप देने का प्रयास कर जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उचित कार्रवाई कर सभी ग्रामवासियों को राहत प्रदान करे। वैष्णव जो है यहाँ का 5 नंबर वार्ड का पार्षद है, वो मेरे पास आया था आज करीब 2-3 महीने पहले। तो आया था, 10-15 गाय थी, वो लेके आया रात को 11 बजे लेके आया। उसको रखने के लिए जगह दे दिया, अब वो रखने के लिए जगह दे दिया तो 10-15 दिन के लिए तो प्राइवेट वो धर्मशाला है, गवर्नमेंट का बना हुआ है धर्मशाला मेला ग्राउंड है, वहाँ पे रह गया। उसने वहाँ पे 15-20 गायों की जगह यहाँ 350 गायें जमा, 400 गायें जमा कर लिया। लगभग वहाँ कितनी गाय मरी, छोटे बच्चे आज भी 50-60 गाय बच्चे जमे वहाँ पर गड़े हुए हैं, रोज गाय मर रहे हैं, 4-4, 5-5, ना खाने की व्यवस्था, ना पानी, कोई भी खाली तार बंदी कर उसको उनको जमा करके रख दिया है। तो उसका मैं विरोध किया तो वो मेरे ऊपर अत्याचार करने लगा, मेरे को मारने पीटने की धमकी भी देने लगा, आदमी लोगों को भेजता, फिर भी जो है मैंने वो तो फिर मैं प्रशासन को बताया भाई ये कब्जा कर रहा है, गौ माता के नाम पर अवैध कब्जा कर रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भाई उसका निष्पक्ष जाँच हो, गौ माता का जो हत्या हुआ, गायें तो बहुत मरी है, 50-60 गाय तो आज भी गड़ी हुई है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।